हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीआईएमटी यूट्यूब चैनल। एमबीए सेकंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आज अपनी यूनिट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कंटेंट के बारे में करेंगे कि कंटेंट कैसा होता है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमारा है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट एंड ब्रांडिंग एंड इट इम्पैक्ट ऑन सेल्स, कि कंटेंट और ब्रांडिंग में क्या रिलेशन है और उसका सेल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कंटेंट मीन्स जो हम उसके अंदर कंटेंट डालते हैं, जो हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डालते हैं, वो हमारा कंटेंट होता है। और ब्रांडिंग मीन्स उसे कोई नेम पर्टिकुलर प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले क्या रिलेशन जाने से पहले दोनों की थोड़ी सी हम मीनिंग करेंगे, थोड़ी सी उनके बारे में पता करेंगे कि आपकी ये दोनों चीजें होती है। टू अंडरस्टैंड ब्रांडिंग इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट ब्रांड्स आर। ब्रांड इज द आइडिया और इमेज ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस दैट कंज्यूमर्स कनेक्ट विद बाय आइडेंटिफाइंग द नेम, लोगो, स्लोगो और डिजाइन ऑफ द कंपनी हु ओन्स द आइडिया और डिजाइन। मीन्स ब्रांड क्या होता है कि किसी भी तरीके का आइडिया हम किसी भी शो में आइडिया या इमेज को हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को किसी तरीके से शो कर रहे हैं, उसे हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनका अपना व्यू पॉइंट बता रहे हैं। इसमें कोई भी नेम हो सकता है, उस जगह पर उसका नेम बताने के लिए, लोगो बताने के लिए क्या है, स्लोगन क्या है, डिजाइन क्या है, मीन्स जो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सके वो ब्रांड होता है। कि हम उसके अंदर किसी भी उसे इमेज के थ्रू या किसी लोगो के थ्रू से डिस्क्राइब कर सकते हैं ब्रांड। ब्रांडिंग इज वेन दैट आइडिया और इमेज इज मार्केटेड सो दैट इज रिकॉग्नाइजेबल बाय मोर एंड मोर पीपल। कि ब्रांड तब हमारा ज्यादा होता है फेमस जब ज्यादा से ज्यादा लोग उस ब्रांड के बारे में उस नेम से इजिली रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये किस तरीके का है। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे डेली कंजम्पशन की चीजें हैं, जैसे टूथपीस है, सोप है, शैम्पू है, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो मतलब हम नेम, ब्रांड नेम एक ऐसा नेम, एक ऐसी इमेज लोगों के दिमाग में बन जाती है कि हाँ, जिससे वो नेम से ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये क्या चीज है। अगर हम मारुति की बात करेंगे तो मारुति से हम सीधा ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मारुति सुजुकी, यानी हम कार से रिलेट करते हैं, ब्रांड नेम हमारा मारुति सुजुकी है। इसी तरीके से ब्रांड एक ऐसा आइडिया या इमेज है जब हम उसे मार्केटेड करते हैं, जब हम उसका नेम ही यूज करते हैं एज अ ब्रांड, कि लोग को जो कहते हैं कि आप सिर्फ ब्रांड ऑरिएंटेड हो, सिर्फ ब्रांड किसी पर्टिकुलर ब्रांड के ही चीजें खरीदते हो, तो मीन्स उनकी इमेज उनके माइंड में ऐसी बन गई कि हमें बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स वर्क ऑन ब्रांडिंग नॉट ओनली टू बिल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन बट ऑल्सो टू बिल्ड गुड रेपुटेशन एंड सेट स्टैंडर्ड टू विच द कंपनी शुड स्ट्राइव टू मेंटेन और सरपास। मीन जो हमारे एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो ना सिर्फ इस बात पे काम करते हैं कि सिर्फ ब्रांड रिकॉग्निजेबल रहे लोगों के लिए, लोग उसे आसानी से पहचान सके, बट वो इस चीज पर भी फोकस करते हैं कि उसके स्टैंडर्ड्स हैं, सेट स्टैंडर्ड्स हैं कि उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने काम करना है, वो मेंटेन रख सके वो और क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके ताकि उसे हम आगे कंटिन्यू कर सके। ब्रांडिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेट कॉमर्स एज ब्रांडिंग अलाउज कंपनीज टू बिल्ड देयर रेपुटेशन एज वेल एज एक्सपेंड बियॉन्ड द ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड एड टू द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द ओरिजिनल ब्रांड। कि जो हमारा ब्रांड है ये हमें अकेली सेल्स हमारी प्रमोट करने में हेल्प नहीं करता, ओवरऑल हमें हेल्प करता है, हमारी गुडविल ही इम्प्रूव होती है इसमें कि हमारे अगर इमेज अच्छी है हमारी कंपनी की तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। फिर आई एम वर्किंग ऑन ब्रांडिंग और बिल्डिंग अ ब्रांड कंपनीज दैट आर यूजिंग वेब पेजेस एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन SEO, SEO टर्म हमने बहुत बार की है, उसकी फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम ब्रांडिंग को वेब पेजेस के साथ लिंक करें और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ लिंक करें तो क्या होगा, हैव अ फ्यू डिटेल्स टू वर्क आउट बिफोर बीइंग एबल टू बिल्ड अ सक्सेसफुल ब्रांड। कोऑर्डिनेटिंग डोमेन नेम्स एंड ब्रांड नेम्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फाइंडिंग एंड कीपिंग विजिटर्स एंड क्लाइंट्स एज वेल एज ब्रांडिंग अ न्यू कंपनी। कि अगर हमने ऑनलाइन अपने ब्रांड को प्रमोट करना है तो हमें डोमेन नेम और ब्रांड नेम को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा कि अगर हम उस चीज को सर्च करें तो हमारी वो चीज आ जाए सामने हमारे कि हम किस चीज के बारे में, किस ब्रांड के बारे में सर्च कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ डोमेन नेम एंड ब्रांड नेम्स लेट आइडेंटिफिकेशन टू द आइडिया इमेज ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस विच इन टर्न लेट्स विजिटर इजीली डिस्कवर द न्यू
ब्रेड कि जिससे उन्हें इजीली नया चीज के बारे में पता चल जाता है अगर वो ब्रेड के बारे में सर्च करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है कंटेंट मार्केटिंग इज द न्यू ब्रांडिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग मीन्स हम ये न्यू वे है ब्रांडिंग करने के लिए। ब्रांडिंग इज नॉट योर कंपनी नेम, इट्स नॉट अ टैगलाइन, इट्स नॉट अ लॉगो। ब्रांडिंग इज जस्ट अनदर नेम फॉर क्रिएटिंग अ परसेप्शन कि अकेला अगर हम उसे लोगो या किसी कंपनी का नेम या किसी और चीज से उसकी लिंक करें तो सिर्फ ब्रांड उतना ही नहीं है, ये वो सारी चीजें हैं जिससे हम एक परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम परसेप्शन एक सोच क्रिएट कर सकते हैं कि रेमंड है, मैटी है, तो उसके अंदर कैसी क्वालिटी ऑफ सर्विस हमें मिलेगी, कैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलेगी। तो इस तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट करने का भी एक ब्रांडिंग हमारा एक बहुत ही जरूरी जो हमारा एक न्यू टूल बन गया है। ब्रांड इज अ प्रॉमिस, इट्स एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एन एक्सपीरियंस कि हम जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसके हम फिर से एक्सपेक्टेशन हमको मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया है वही हमें एक्सपीरियंस हो, वो चीजें वो एक प्रॉमिस है कि हमने अगर इतना अच्छा ब्रांड नेम लिया है, ब्रांड की इमेज इतनी अच्छी है तो उसकी जो सर्विस है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। द कंपनी एंड द टैगलाइन एंड लोगो एंड ब्रांड कलर्स ओनली एग्जिस्ट टू कॉल दैट एक्सपीरियंस टू माइंड कि बार बार हमें वो हमारे वो एक्सपीरियंस ही काउंट होते हैं कि वो क्या चीजें हैं बार बार। ब्रांड कैन मीट दैट एक्सपेक्टेशंस, एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस और इन द फर्स्ट केसेस फॉल शॉर्ट ऑफ दैट एक्सपेक्टेशंस कि ब्रांड्स अगर हम प्रॉपरली उसमें ना वर्क करें तो वो हमारे एक्सपेक्टेशन से नीचे भी हो सकते हैं और बहुत अच्छा काम करें तो उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी हमें आउटपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है कंटेंट का मीनिंग कि कंटेंट होता क्या है। कंटेंट मार्केटिंग इन्वॉल्व क्या है, जिसे इन्वॉल्व इज अदर एजुकेट, कन्विंस एंड एंटरटेन कि हमें कस्टमर्स को एजुकेट करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि हमारा प्रोडक्ट आखिर सर्विसेज क्या ऑफर कर रहा है। कन्विंस मीन्स उन्हें कन्विंस करना कि हाँ हमारा प्रोडक्ट भी आपके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर है, हमारे अच्छा जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो कोई और नहीं दे रहा है हमारे कॉम्पिटिटर्स में से, तो हमारा ही आपको कन्विंस करना होगा कंटेंट मार्केटिंग में कि आप हमारा प्रोडक्ट की हमारे सर्विस की यूज कीजिए। फिर एंटरटेन मीन्स उन्हें वो सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली काम करना, उन्हें एंटरटेन करना कि हाँ मतलब अगर उन्हें कोई निग्लेक्ट ना हो कि हमने आपका ब्रांड क्यों चूज किया, उन्हें प्रॉपरली एंटरटेन करना कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई आप किसी ब्रांडेड शोरूम में जाकर बहुत ही कॉस्टली या मतलब किसी भी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट लेके आते हो तो आपको तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है जब तक कोई उसकी तारीफ ना करते, तो वैसा ही है कि हमें प्रॉपरली एंटरटेन होना चाहिए कि ऐसा आप क्वालिटी प्रोडक्ट लें कि लोग देखकर ही उस चीज की करें तारीफ, या आप जब उस सर्विसेज को यूज करो आपको हाँ ये ऐसी सर्विसेज इसमें ही मिल सकती है। जैसे फाइव स्टार होटल्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि उनकी सर्विसेज उन्हें फाइव स्टार इसलिए मिले होते हैं क्योंकि उनकी सर्विसेज बाकी होटल से ज्यादा होती है, उसके अंदर फाइव अलग से फीचर्स होते हैं, थ्री स्टार में अलग होते हैं, मतलब अगर ब्रांड है तो ब्रांड को ब्रांड की इमेज के अकॉर्डिंगली एंटरटेन हमें करना ही पड़ेगा कंटेंट मार्केटिंग में ये सब चीजें इंक्लूड होती है। फिर कंटेंट कम्युनिकेट्स योर पर्पस विल कि अगर जो हमारा पर्पस है कंटेंट हमारा उसकी क्या चीज कम्युनिकेट करेगा हमें, कंसिस्टेंसी कि वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट वे में काम कर रहा है और हमें इक्वली ही हमारी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वैल्यू उसकी वैल्यू है, एक हमारा एक प्राइस अगर लेगी या किसी चीज की हम कोई वैल्यू देखे कि कस्टमर्स की उसकी क्या वैल्यू है तो ये कम्युनिकेट करता है कि आपके बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। फिर है ओरिजिनलिटी कि ये ओरिजिनल है, ये दूसरी वजह से नहीं है, इट्स नॉट अ पॉकेट वन। ये कंटेंट ये होना चाहिए कि जिसमें होता है ना कि कई बार लोग होते हैं धोखेबाजों से बच कर रखें या इस तरीके से कुछ लाइन यूज होती है कि हमारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है या हमारे सिर्फ एक ही हमारी शॉप है और कोई ऐसी नहीं है, हम इस नेम से सिर्फ एक ही है। मीन्स उन्हें कम्युनिकेट पूरा अगर इस नेम से आपको नॉलेज भी है कि कोई और भी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई और कंपनी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो आपके कंटेंट में ये चीज भी कम्युनिकेट हो जानी चाहिए कि ओरिजिनलिटी कि आप ओरिजिनल हो, आपके जो बाकी है आपको उनके साथ कोई लिंक अप नहीं है, मतलब ओरिजिनलिटी भी उन्हें कम्युनिकेट करनी जरूरी होती है कंटेंट में। अगर मार्केटिंग में हमें एजुकेट करने से हमारा एंटरटेन का कम्युनिकेशन में हमारा कंसिस्टेंसी वैल्यू ओरिजिनलिटी। फिर है कंटेंट अलाइन टू योर ऑडियंस और उसका आपके मतलब आपके ऑडियंस के साथ वो रहता है, साथ में रहता है उसके साथ, उसे
ये अलाइन करना चाहिए कि ऑडियंस के बारे में सोचकर वो क्या उनकी परसेप्शन है, ये सब चीजें भी ध्यान में रखकर हमने अपना कंटेंट पूरा बनाना है, अपना मैटर पूरा वहां पर पूरा डिस्क्राइब करना है। फिर है इफेक्ट ऑन सेल्स यूजिंग यूजर जनरेटेड कंटेंट इज रिकॉग्नाइजिंग दैट फैक्ट दैट डिजिटल मार्केटिंग हैज चेंज कंज्यूमर्स टेक्स नाउ एन एक्टिव पार्ट इन द प्रमोशन प्रोसेस। यूजर जनरेटेड कंटेंट मीन्स इसके शॉर्ट फॉर्म आपको यूजीसी, यूजीसी मीन्स यहाँ पे है यूजर जनरेटेड कंटेंट, ये रिकॉग्नाइज कर रहा है हमारे जो हमारे कंज्यूमर्स है कितना एक्टिव पार्ट ले रहे हैं प्रमोशनल इवेंट्स में, कितना वो इजिली वो देखते हैं और कितना वो अट्रैक्ट होते हैं उस चीज के ऊपर। अब पीयर रिकमेंडेशन एंड रिव्यूज रेदर देन सोशल रिटर्न कंटेंट कि मींस जो लोगों ने उसके बारे में कमेंट्स लिखे हैं अपने कि उन्हें कैसे सर्विस देने वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन कि उन्होंने अपने बारे में क्या लिखा। फोर रीजन यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड ब्रांड कंटेंट शुड बोथ बी इंक्लूडेड इन योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि क्या वो चार रीजन है जब यूजीसी यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट और ब्रांड कंटेंट दोनों आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसमें तो इसके क्या चार मेन रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रीजन है, दे बोथ क्रिएट ऑथेंसिटी कि दोनों ही हमारे ऑथेंसिटी ऑथेंटिक होते हैं ये ट्रू होते हैं। ब्रांड कंटेंट इज अ वेरी वॉइस ऑफ योर कंपनीज वैल्यूज एंड फिलोसफी एंड इट्स ट्रूली सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन कि मीन्स कि एक आपकी कंपनी की इमेज की तरह है, कंपनी का नेम एक ब्रांड होता है कि कंपनी उस ब्रांड के नेम से आइडेंटिफाई होती है कि ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लक्स की बात करें तो हमें पता चलता है कि किस कंपनी का है, अगर हम किसी और चीज मतलब जो भी हम अगर ब्रांड नेम ले तो हमें उसकी कंपनी एक इमेज एक शो हो जाती है कि किस तरीके की और क्या क्या सर्विसेज वो शो होती है, इट्स अ वॉइस ऑफ योर कंपनी। फिर बट वेन यू इंडिकेट यूजर जनरेटेड कंटेंट विद यू प्रोवाइड एन ऑथेंटिक यूजर एक्सपीरियंस कि आप एक प्रॉपर ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि ये बिल्कुल ट्रू है। फिर है हमारा इसमें एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मोर पर्सनलाइज एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंस योर मार्केटिंग कैंपेन्स विल बी मोर इफेक्टिव एंड मोर इम्पैक्टफुल। अगर हम दोनों चीजों को लेंगे इकट्ठे एक साथ लेकर कि यूजर जनरेटेड कंटेंट मिले और ब्रांड कंटेंट दोनों को इकट्ठा ले कि हमने यूजर से क्या हमने जनरेट किया है कंटेंट के बारे में, लोग उसके बारे में क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं और हमारे ब्रांड उसमें क्या फीचर्स एड कर रहे हैं, इन दोनों को करेंगे कैंपेन्स में हम एड करेंगे तो बहुत ही इम्पैक्टफुल रहेगा हमारे लोगों के ऊपर। A perfect digital strategy is the right balance between the voice of your brand and the voice of consumer, which at end both contribute to improve brand image and sales. कि अगर आप कस्टमर्स की और अपनी ब्रांड की दोनों की आप बात लेकर आगे चलोगे तो बहुत ही अच्छा उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी सेल्स पर भी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। मीन्स आपने कई ऐसे एडवर्टीजमेंट देखी होंगी जिसमें आप कस्टमर्स का ये दिखाते हो कि मैंने ये यूज किया था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगा, मतलब तीन चार कस्टमर्स को दिखा दिया, ये किसी एक कस्टमर्स को दिखा दिया कि मैं रिकमेंड करता हूँ, इसे डॉक्टर्स को दिखा दिया, यूजर्स को कॉल करके एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं कि मैंने 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 काफी लोगों को दिखा दिया कि उन्होंने यूज किया उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इस तरीके से यूजर्स को आप यूज बीच में करके उनका कंटेंट डालकर और अपने ब्रांड का एक नाम डालकर उसे बहुत इफेक्टिवली आप उसे शो कर सकते हो। फिर हमारा इसमें सेकंड पॉइंट आ रहा है, सेकंड रीजन क्यों है कि दोनों को इकट्ठे ही मिलकर मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में दोनों इकट्ठे क्यों होने चाहिए। सेकंड है इसमें विजुअल कंटेंट इज अ की कि एक अगर आप नॉर्मल आप आर्टिकल पढ़ो और एक जो आर्टिकल है जिसमें कोई इमेज है कोई और चीज है वो पढ़ो तो दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जो नॉर्मल आर्टिकल होता है कई बार बोर्डम लगता है कई बार आप उसे पूरा पढ़ते भी है, लेकिन अगर कोई विजुअल ग्राफिक्स के साथ कोई शो किया होता है प्रेजेंट किया होता है तो आपको वो अट्रैक्टिव लगता है, आपको लगता है कि हाँ उसे एक बार हमें जरूर देखना चाहिए। और रिसेंट स्टैटिस्टिक रिवील दैट कंज्यूमर्स ओनली रिमेंबर 10% ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रिसीव आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 डेज कि मींस जो उन्होंने टेस्ट में पढ़ा होता है कोई इन्फॉर्मेशन जो रिसीव की होती है 3 दिनों बाद उसका 10% उन्हें याद रह पाता है। बट इफ विजुअल कंटेंट इज एसोसिएटेड विद दैट सेम इन्फॉर्मेशन पीपल आर सेट टू रिमेंबर 65% ऑफ द इन्फॉर्मेशन आफ्टर द स्लीप टाइम पीरियड कि मींस अगर मेरा टेक्स्ट है विजुअल नहीं है उसके अंदर तो सिर्फ 3 दिनों के बाद सिर्फ 10% ही उन्हें रिमेंबर रहता है, लेकिन अगर उसमें कोई विजुअल एड्स भी है विजुअल ग्राफिक्स भी अपने ऐड किए हुए हैं तो 65% तक का भी कंटेंट वो याद रख पाते हैं 3 दिनों के बाद भी। तो मीन्स कितना बेनिफिट है अगर हम विजुअल कंटेंट भी ऐड कर दें ताकि उन लोगों के बाद लोगों को हमारे बारे में याद रहे वो हमें अवेयर रहे हमारे प्रोडक्ट के बारे में।
In that sense, people are more likely to remember your products and services if they saw relevant images of it as in a social wall, for example. कि अगर किसी social wall पे आप उसे देखते हो, आप किसी message को convey कर रहे हो, किसी idea को convey कर रहे हो, जैसे कोई भी वो जल बचाओ, सफाई अभियान जो है, ये word of mouth के थ्रू हम पता करते हैं, चलो ठीक है याद रहा या नहीं रहा. लेकिन आप जो social walls होती हैं, जो हमारे fly walls होते हैं, उसके नीचे कई बार paintings बनी होती हैं. आप उन्हें देखते हो कि ट्रैफिक सिग्नल से गाड़ी की पिक्चर बनी होती है कि इस तरीके से करो, ब्लड डोनेशन के बारे में बनी होती है, सफाई के ऊपर बनी होती है. तो मतलब वो विजुअल्स देख के बिना किसी के आपको मतलब वर्ड ऑफ माउथ के बिना किसी विजुअल ग्राफिक्स के थ्रू भी आपको उसका कंटेंट पता चल जाता है कि वो बताना क्या चाह रहे हैं और वो आपको रिमेम्बर रहती है पूरी लाइफ की. मतलब काफी टाइम तक कोई चीज याद रहती है कि मैंने ये चीज, ये मैसेज मैंने कहीं पे पढ़ा है, मतलब ये चीज हमें करनी चाहिए. इसी तरीके से अगर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में भी विजुअल कंटेंट अगर रेडी रखें तो हम उसे इजीली हम मार्केटिंग उसकी कर सकते हैं डिजिटली. फिर इसके अंदर हमारा नेक्स्ट है ब्रांड कंटेंट प्रूव्स योर एक्सपर्टाइज. ब्रांड कंटेंट प्रूव्स योर एक्सपर्टाइज कि आप कितने एक्सपर्ट हो. कंटेंट हमारा उस अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर हमारा पूरा ओवरऑल पूरा पता चल जाना चाहिए कि आखिर हमारा ब्रांड क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या अलग यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है. मैनी टाइम्स व्हेन यू गूगल द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट यू फाउंड योरसेल्फ इन द ब्लॉग सेक्शन ऑफ अ वेबसाइट. द रीजन इज दैट द कंटेंट यू फाउंड इज कंसीडर्ड रेलेवेंट बाय पीपल हु लुक फॉर इट. कई बार आप जब मुझे गूगल पे कोई चीज आप करते हो तो सीधा आपको एक ब्लॉग शो करता है. कई बार आता है मतलब रिलेटेड सर्च ये कुछ ऐसा आ जाता है, कई बार सीधा ही वो आपको ऊपर हो जाता है जो आप सर्च कर रहे होते हो. या मतलब इसका मतलब ये है कि कई लोगों ने उसके बारे में, उस कंटेंट के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में उन्होंने काफी लोगों ने उसके बारे में देखा. एंड देयरफॉर बाय सर्च इंजन्स ब्लॉगिंग फॉर योर बिजनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. हमने ब्लॉगिंग के बारे में पहले पढ़ लिया है कि ब्लॉगिंग मीन्स पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अपने आइडियाज शेयर करना ब्लॉगिंग के थ्रू. तो ब्लॉगिंग के हमने स्टेप्स भी किए थे अगर आपको रिमेम्बर हो, अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियोस में जाकर ब्लॉगिंग के बारे में भी देख सकते हो कि ब्लॉगिंग हम कैसे कर सकते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग. इस टॉपिक पर वापस आए तो हमारा नेक्स्ट इसके अंदर है वेबसाइट बेनिफिट्स कि इसके हमें ब्लॉगिंग के साथ साथ कंटेंट में हमारी एक्सपर्टाइज शो होती है. अब हमारे वेबसाइट बेनिफिट्स क्या होते हैं कि हमें वेबसाइट के इसके अलग से बेनिफिट्स क्या मिलते हैं. By combining visual and brand content, you are creating opportunities for visitors to stay on your website. कि वो आपकी वेबसाइट पे देखे, उन्हें इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, इतनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि वो आपकी वेबसाइट को कॉन्टिन्यूस सर्व करते रहते हैं. यूजीसी यहाँ पे क्या है, यूजर जनरेटेड कंटेंट और ब्रांड कंटेंट हम दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो वो इजिली आपके साथ ज्यादा टाइम तक जुड़े रहेंगे. दिस विल अलाउ विजिटर्स टू सी हाउ वेल यू नो योर एरिया ऑफ बिजनेस एंड हाउ योर कस्टमर्स आर. उन्हें पता चलेगा कि कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, किस तरीके के लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आप अपने बिजनेस के बारे में कितना कन्वे कर पा रहे हो, ये सब उन्हें पता चल पाता है जब वो आपकी वेबसाइट को सर्च करते हैं. इन अ सेंस यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द विजिटर्स क्वेश्चन बिफोर दे इवन आस्क कि मींस आप उन्हें क्वेश्चन करने से पहले उनके आंसर दे रहे हो. जो भी उनके दिमाग में बात आएगी उससे पहले उन्हें उनका आंसर सामने पता चल जाएगा. अच्छा ये भी है इसके अंदर फीचर, अच्छा ये भी है. तो मतलब ये है कि आपको अगर आप इन दो चीजों को कंबाइन करते हो तो आपको बहुत सारे वेबसाइट बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे. आपके हमने क्या क्या फोर रीजन किए इसके अंदर कि हमें दोनों चीजों को कंबाइन करना चाहिए कि तो एक फर्स्ट है ऑथेंटिसिटी क्रिएट करते हैं दोनों कि ऑथेंटिक होते हैं, ट्रू होते हैं कि हमारी ओरिजिनलिटी को बताते हैं कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है. फिर हमारा इसके अंदर विजुअल कंटेंट एक हमें हेल्प करता है कि इजिली हम अपने कस्टमर्स को अपने साथ अटैच कर पाते हैं और उन्हें इजिली उनकी अट्रैक्शन ग्रैब कर पाते हैं. फिर है ब्रांड कंटेंट प्रूव्स योर एक्सपर्टाइज कि आपकी एक्सपर्टाइज बताती है कि आप कितने एक्सपर्ट हो अपने ब्रांड को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, अपने ब्रांड के बारे में ज्यादा बताने के लिए. और लास्ट हमने किया है कि वेबसाइट बेनिफिट्स अवेलेबल है. तो ये हमारा आज का बस इतना ही टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं, अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.